दोस्तों आजकल के युवा जब कहीं बैठते हैं तो आपस में यही चर्चा करते हैं कि पहले के लोग इतना स्वस्थ कैसे रहते थे, सौ सौ साल तक जीते थे, उनके पास कोई बीमारी नहीं आती थी, उनके आँख भी नहीं खराब होते थे और ना ही उनके बाल गिरते थे। इन सब बातों को लेकर के वो काफ़ी डिस्कस करते हैं। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में हम यही बताएंगे कि आखिर पहले के लोगों में और अब के लोगों में क्या चेंजेस आए हैं, उन परिवर्तन के बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आखिर आज के युवा इतना बीमार क्यों पड़ रहे हैं, कब जवानी निकल जा रही है, कब बुढ़ापा आ जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। दोस्तों हम उन आदतों क्यों छोड़ते जा रहे हैं जो हमारे पूर्वज करते आए हैं, तो दोस्तों वीडियो में हम यही बताएंगे कि आखिर पहले के लोग इतना कैसे स्वस्थ रहते थे। तो दोस्तों बिना देरी किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं पहले के समय में हमारा विज्ञान इतना डेवलप नहीं था। पहले के लोगों को जब कहीं जाना होता था या तो पैदल जाते थे या तो साइकिल से जाते थे, और पैदल जाने में शारीरिक श्रम करना पड़ता है और साइकिल भी चलाने में शारीरिक श्रम करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आज के युवा जब कहीं जाना होता है तो बाइक से जाते हैं या फोर व्हीलर से जाते हैं। दोस्तों दूध भी लेने जाना हो तो भी वो गाड़ी से ही जाते हैं, पैदल नहीं जाते हैं ना ही साइकिल से जाते हैं। दोस्तों हम WHO के मानकों को हम पूरा ही नहीं कर रहे हैं तो हमारा शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा। और WHO के अनुसार हर व्यक्ति को एक दिन में कम से कम 8,000 फुट चलना चाहिए, जो कि हम उसको पूरा ही नहीं कर रहे हैं, जिससे कि घुटने में दर्द, शरीर में दर्द और अनेक प्रकार की बीमारियां होने लग जा रही हैं। नेक्स्ट है कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए हमारे विज्ञान ने बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया है, क्योंकि धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा इत्यादि में आप देखते होंगे उनको जल्दी से प्रोग्रेस और पैदावार बढ़ाने के लिए उनमें अनेक प्रकार के फर्टिलाइजर और खादों का उपयोग, दवाओं का उपयोग किया जाता है, जिससे कि वो चीज़ें खाने से हम लोग के शरीर पर काफ़ी नुकसान हो रहे हैं। पैदा तो हो रहा है उस चीज़ें ज़्यादा, लेकिन वो सब चीज़ें हमारे खाने से नुकसान हो रही हैं। पहले के लोग देसी उगाते थे, देसी खाते थे। पहले के लोग ज्वार, मक्का, बाजरा इत्यादि का रोटी, मोटी मोटी रोटी बना के नमक और मिर्चा के साथ खा जाते थे। लेकिन आज के लोग वो पतली पतली रोटी बना रहे हैं, आटे को चाल दे रहे हैं, चोकर निकाल दे रहे हैं, जो चीज़ हमको खाना चाहिए वो फेंक रहे हैं और जो फेंकना चाहिए वो चीज़ खा रहे हैं। तो दोस्तों नुकसान तो करेंगे ये सब चीज़ें। और दोस्तों पहले के समय में क्या होता था कि त्योहारों में बड़े बड़े कुश्ती और अखाड़ों का आयोजन किया जाता था, जिसमें लोग जाकर भाग लेते थे और लड़ते थे, जो उस समय के युवा काफ़ी उत्साहित होते थे और उनके अंदर भी रुचि आती थी इन सब चीज़ों में भाग लेने के लिए, और वो भी खूब दंड बैठक मारते थे। लेकिन उसके विपरीत हमारे आजकल के जो युवा हैं वो सारा टाइम अपना मोबाइल में दे रहे हैं, जो भी समय उनको मिलता है उसमें मोबाइल में समय गंवा देते हैं, मोबाइल में, लैपटॉप में बिजी रहते हैं, जिससे कि नुकसान तो होगा ही। जो समय उनको मिला है सुबह शाम टहलने के लिए, खेलने के लिए, दंड बैठक मारने के लिए, उस टाइम में वो मोबाइल चला रहे हैं, तो बताएं बीमारियां तो आएंगी ही। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने पहले के लोगों और आज के लोगों में कुछ विभिन्नताएं बताई हैं। आपको भी अगर कुछ जानकारी हो तो हमारे कमेंट में उसकी राय दें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।